नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 16वें लीग मैच में आरसीबी का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पारी के तीसरे ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने जॉस बटलर को वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद काइल जेमिनसन ने पारी के चौथे ओवर में मनन वोहरा का विकेट निकाल दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर और संजू सैमसन से राजस्थान को सधे हुए पारी की उम्मीद थी, लेकिन पारी का पांचवां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने एक शानदार यॉर्कर पर डेविड मिलर का काम तमाम कर दिया। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज ने एक शानदार यॉर्कर डाला था जिसका कोई जवाब डेविड मिलर के पास नहीं था। वो चारों खाने चित हो गए। पहले तो वो गेंद पर पूरी तरीके से बीट हुए और उसके बाद खुद को संभाल भी नहीं पाए और जमीन पर गिर गए। हालांकि सिराज ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने पहली बार में इसे नकार दिया। इसके बाद विराट कोहली से बात करने के बाद ये रिव्यू ले लिया गया और रिव्यू में साफ नजर आया कि गेंद सीधे जाकर मिडल स्टंप को लग रही है। इसके बाद अंपायर ने अपने डिसीजन को बदला और डेविड मिलर को आउट करार दिया। आपको बता दें, पारी के पांचवें ओवर में डेविड मिलर के रूप में राजस्थान रॉयल्स को तीसरा झटका लगा जब टीम का स्कोर केवल 18 रन था। आपको बता दें, इसके बाद पारी के आठवें ओवर में कप्तान संजू सैमसन के रूप में राजस्थान को चौथा झटका लगा जब टीम का स्कोर केवल 43 रन था। आपको बता दें, डेविड मिलर इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। आपको बता दें, शुरुआती तीन ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 14 रन देकर राजस्थान के दो बड़े विकेट निकाल दिए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।